स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। अरवल जिला में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। इस अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 250 लीटर देसी शराब के साथ 4 बाइक बरामद किया गया है। साथ ही इस मामले में शराब माफिया संजय चौधरी और योगेश्वर चौधरी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। होली को देखते हुए कोसी जोन के डीआईजी पंकज कुमार प्रवीण ने सुपौल में स्थित सभी थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को शराब तस्करों और अपराधियों पर विशेष नजर रखने को कहा। साथ ही बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की बात भी कही। आपको बता दें कि बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर शराब तस्करों और अपराधियों पर लगाम लगाने की हिदायत दी थी। इसी के तहत यह निरीक्षण किया गया है। होली के लिए शराबबंदी के लिए विस्तृत एसओपी तैयार किया गया है, जिस आधार पे हर थाने को अलर्ट रहना है, आसूचना एकत्र करने में इन लोगों को एक्टिव होना है और त्वरित कार्रवाई उस पर किया जाना है। आसूचना बेस्ड कोई विशेष तैयारी सर इसके लिए? बेतिया के रामपुरवा गांव में बीती रात एक घर में भीषण आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आग ने अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। मोतिहारी के जीवाधार बाजार के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने गैरेज में खड़ी दो गाड़ियों में आग लगा दी, जिसमें दोनों गाड़ियां धू धू कर जल गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ते की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। इस मामले में गैरेज चालक ने आरोप लगाया कि किसी ने बदले की भावना में इस घटना को अंजाम दिया है। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पीपरा कोठी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आग लग रहा है सब ना, अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें बैठ करके गांजा उजा पी रहा होगा, उसी के चलते लगल है। इसलिए इधर आने का किसी का छुट्टी नहीं है, इधर कोई आता जाता नहीं है, गाड़ी ऐसे ही लगल गाड़ी गैरेज में लगा था। अजय जादू का गैरेज है, उन्हीं के गैरेज में गाड़ी खड़ा था। किस लिए? किस लिए? बनाने के लिए। बहुत दिन से लगा हुआ है, 2 साल से लगा हुआ है। इधर प्रशासन को नया सिगरेट से फेंक दिया लग गया। और दरभंगा में शुक्रवार को स्कूल में हुए हादसे पर सीएम ने शोक प्रकट किया है और मृतक छात्रा के परिजनों को 4 लाख के अनुदान की राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही इस घटना में घायल अन्य 8 छात्राओं के निशुल्क इलाज की समुचित व्यवस्था प्रदान करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि वे इस घटना से काफी दुखी हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट में बिजली के तार सट जाने से करंट दौड़ रहा था, तभी एक छात्रा उसकी चपेट में आ गई। अपनी दोस्त को तड़पता देख अन्य छात्राएं भी उसे बचाने आई, जिसमें 8 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। इस घटना में छात्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, अन्य छात्राएं बुरी तरह से जख्मी हो गई। बेगूसराय में अज्ञात अपराधियों ने एक किसान को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के राटन गांव की है। मृतक व्यक्ति की पहचान राटन गांव निवासी सुरेश महतो के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक घर से खाना खाने के बाद सोने के लिए खेत में गया। उसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने सुरेश महतो को गोली मार दी। सुबह को ग्रामीणों ने खून से लथपथ किसान की लाश मिली, जिसके बाद हत्या की सूचना परिजनों और पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहें हमारे साथ।